यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जमशेदपुर से कोलकाता जाने वाली विमान तैयार खड़ी है। चेक इन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, ऐसी ही आवाज 31 जनवरी से जमशेदपुर में भी सुनाई देगी। रांची के बाद देवघर और उसके बाद झारखंड के तीसरे शहर जमशेदपुर से 31 जनवरी से व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से व्यावसायिक विमान सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जमशेदपुर से यात्री विमान सेवा शुरू करने की टेम्पररी अनुमति दे दी है। जमशेदपुर से कोलकाता के लिए 31 जनवरी से एक 9-सीटर विमान नियमित उड़ान पर होगा। इंडिया वन एयर कंपनी का यह विमान भुवनेश्वर से सुबह 9 बजे उड़ेगा और जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर 10:50 पर लैंड करेगा। जमशेदपुर से 11:30 यह विमान कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा और 12:35 कोलकाता में लैंड करेगा। वापसी यात्रा में इंडिया वन एयर का यह विमान 1:25 पर कोलकाता से उड़ान भरेगा और 2:30 जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इंडिया वन एयर के पदाधिकारियों के मुताबिक इस विमान सेवा की टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है और 14 फरवरी तक के लिए 50% टिकटें बिक चुकी हैं। इंडिया वन एयर के CEO अरुण कुमार सिंह के मुताबिक उनकी कंपनी ने कम किराए पर 1999 से विमान सेवा शुरू की और उसी क्रम में झारखंड वासियों के लिए कोलकाता जमशेदपुर व्यावसायिक विमान यात्रा नए साल की एक सौगात है। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।